अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज अक्टूबर नवंबर 2021 का रिज़ल्ट आया है और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, सबको मालूम है अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड्स भी हैं और बहुत सारे बच्चों के उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम ग्रेड भी हैं। अब इसके पीछे थोड़ी सी कुछ वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखें, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने लास्ट एग्ज़ाम्स दिए थे ओ लेवल्स के अंदर, ग्रेड टेंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसके बाद इलेवेंथ के एग्ज़ाम नहीं दिए, एएस के एग्ज़ाम इनके बेचारों के कैंसिल हुए, और इसके बाद उन्होंने एएस के एग्ज़ाम भी अक्टूबर नवंबर में दिए, और ऐसे हालात में दिए कि जब उनका जून के अंदर गैप आ चुका था, इसके बाद वो ए टू भी पढ़ रहे थे और एएस की भी तैयारी की। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेवरेज जो है कैम्ब्रिज को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेवरेज बिल्कुल भी नहीं दिया और उसका इम्पैक्ट बच्चों के रिजल्ट्स पे आए। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ सोशल साइंसेज या आर्ट्स, मीडिया और सोशियोलॉजी वगैरह के रिजल्ट्स के हवाले से, तो इन सब्जेक्ट के रिजल्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए। हाँ, कहा जा सकता है कि अगर किसी बच्चे का बी एक्सपेक्टेड था तो सी आया है, सी एक्सपेक्टेड था तो डी आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए स्कोर भी किया है। और मैं अगर सही बात बोलूँ आपसे, तो बात यह है कि मुझे इस दफ़ा ए ज़्यादा नज़र आए हैं, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी में एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे बच्चों ने जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर गया है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि बिजनेस का थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर गया है, जिसकी वजह से फेलियर रेशियो बढ़ गया है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। इस हवाले से कैम्ब्रिज को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक रेगुलर एग्ज़ाम की तरह इसकी मार्किंग की है। और इसकी वजह जो मुझे नज़र आ रही है, इसकी वजह यह है कि वो चाह रहे हैं कि अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी रेगुलर कंडीशन के अंदर आ जाएँ, और जो कोविड का इम्पैक्ट था, जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन का इम्पैक्ट था, एक्सपेक्टेड ग्रेड्स देने का इम्पैक्ट था, यानी कि एक तरह से कैम्ब्रिज लेवरेज दिया करता था स्टूडेंट्स को, वो सिलसिला कैम्ब्रिज अब ख़त्म करना चाहता है। तो जनाब, यही तमाम चीज़ें मेरे सामने नज़र आई हैं, और इस चीज़ के अंदर मैं 50-50 जिम्मेदार ठहराऊँगा स्टूडेंट्स को और 50% जो है कैम्ब्रिज को, कि जो थोड़े से रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हैं इसकी वजह सारी है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो हर साल ही होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आएंगे और अच्छे ग्रेड्स नहीं आते। और एज अ टीचर मैं आपको बताऊं कि आपको तकरीबन 50-70% श्योरिटी होती है कि क्या बच्चा क्या ग्रेड लेके आएगा। देखिए, अगर आप मॉक के अंदर बी स्कोर कर रहे हैं और अगर आपका सी आ गया और आप परेशान हो रहे हैं सी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ आपका परेशान होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका मॉक के रिजल्ट के हिसाब से अगर एक ग्रेड या दो ग्रेड भी ऊपर नीचे है, ई या यू नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाएगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? अगर देखें, अगर आपका ई या यू आ रहा है और आपकी यूनिवर्सिटी ई एक्सेप्ट नहीं कर रही, देखें ए लेवल्स इज़ फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यू ई एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर तो आपको रीटेक लेना पड़ेगा। देखें, एक बात जहन में रख लें, रोने धोने से, परेशान होने से, एंजाइटी का शिकार होने से आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर रीचेक की जन्म जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो उसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, आई थिंक 25,000 रुपीज़ का जो सबसे मैक्सिमम लेवल होता है रीचेक का, आप उस पे जाइएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रीचेक के हवाले से रहा है, मैं कह सकता हूँ 50-50 रहा है, ठीक है। और 50-50 एक्सपीरियंस में इसलिए, और वो भी तब जब आप मैक्सिमम जिसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है, आप उस ऑप्शन की तरफ जाइएगा रीचेक में भी अगर जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, परेशान होने से कुछ फ़ायदा नहीं, अब जो होना था वो हो गया है, नाउ यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर, आगे की चीज़ों को प्लान करना है आपने। अब आपने ये प्लान करना है कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या किया जाए। मैंने क्या कहा, अगर आपका ई या यू आता है देन यू नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग, लेकिन अगर डी तक भी रिजल्ट है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है डी के ऊपर, देन रीटेक की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेटेड की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सी तक भी है, कोई रीटेक नहीं, नो रीटेक, नो रीअपेयरेंस इफ़ यू गॉट सी इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर मैं आईबीए की रिक्वायरमेंट की बात भी करूँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट है BCC, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर आईबीए टेस्ट। आई थिंक लम्स की रिक्वायरमेंट भी आई थिंक CCC चल रही है, बट यू नीड टू टेस्ट पास देयर टेस्ट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अपने फ्यूचर पे प्लान करना है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। देखिए, जो होना था वो हो गया, ठीक है।
देखिए ओवर थिंकिंग जो होती है ना आपको ख़त्म कर देती है। हर बच्चे को ये लगता है कि उसका रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड आया है, ये हकीकत है, लेकिन जो होना था वो हो गया है। नाउ यू नीड टू प्लान योर फर्दर पार्ट, ठीक है। हाँ एक बात मैं बता सकता हूँ, अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें इफ़ यू गॉट डी इन एनी सब्जेक्ट, कि क्या अगर मैं इट इज़ पॉसिबल फॉर मी कि मैं ए टू के अंदर अपने डी को सी में कन्वर्ट कर दूँ। अगर टीचर को लगता है आप ऐसा कर सकते हैं देन आपको कोई रीअपेयरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप जो है नॉर्मल ए टू पर फोकस करें। क्योंकि देखें एक्सेलरेटेड और रीअपेयर होना, ये दोनों चीज़ें आपका टाइम बहुत ज़ाया करती हैं और आपका उस चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी आ सकता है। तो जनाब परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अगर आप इस हवाले से मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, आप मुझसे जो है ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।